ज़ेमल कमरे में बैठी कुरान की तलावत में मशगूल थी। उसकी आवाज़ में बहुत मिठास थी और वो पिछले 2 घंटों से कुरान पाक को पढ़ने में खोई थी। कमरे में मौजूद मुलाजमा भी ज़ेमल की आवाज़ में कुरान को सुनते सुनते खो सी गई थी। मैम, आपके कपड़े। एक मुलाजमा ज़ेमल के पास कपड़ों को रखती हुई बोली और फिर ज़ेमल ने कुरान को बंद करते लबों से लगाया और उसे गुलाफ में डालने लगी तो किसी ख्याल को सोचते हुए रुक गई। याद, ज़ेमल क्या तुमने कुरान पढ़ा? जी मामा। तालिया, शाबाश, चलो बैठो, यहाँ मैंने अपनी बेटी के लिए सैंडविच बनाए हैं। ज़ेमल खुशी के साथ किचन में मौजूद एक छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई और खाने लगी। मेरी गुड़िया को कैसा लगा है? बहुत मज़े का। चलो फिर तुम खाओ, मैं आती हूँ, ऊपर से तुम्हारे बाबा के कपड़े ले आऊँ। ज़ेमल कुछ सोचते हुए बोली, मामा एक सवाल पूछूँ? हाँ पूछो, आज कौन सा नया सवाल आया मेरी गुड़िया के छोटे से दिमाग में? मामा, कुरान को गिलाफ में क्यों रखते हैं? आज जब मैं भी अम्मा के पास बैठकर पढ़ी थी तो उन्होंने कुरान को खोलने से लेकर रखने तक का तरीका सबको बताया। मैं उनसे पूछना चाहती थी मगर इससे पहले ही भी अम्मा ने सबको छुट्टी दे दी। क्या आप बता सकती हैं कि हम कुरान को गुलाफ में क्यों रखते हैं? तालिया ज़ेमल के सवाल पर मुस्कुराई और फिर बोली, ज़ेमल कुरान एक खूबसूरत किताब है, ऐसी किताब जो अर्शों से ज़मीन पर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में नाजिल हुई। यानी ये वो कलाम है जो खुदावंद अपने बंदों से फरमाता है। ये हदायत की किताब है, यानी मुकद्दस किताब, और जो चीज़ मुकद्दस होती है वो कीमती भी होती है, और जो चीज़ कीमती होती है उसकी शान और शौकत भी हमें अजीज होती है। जैसा कि खुदावंद के घर की खूबसूरत दीवारों की ईंटों को काले रंग के खूबसूरत गुलाब में ढका जाता है, जैसे खुदावंद ने इंसान की खूबसूरत और चमकती नूर से भरी रूह को जिस्म के गिलाफ में रखा हुआ है। कुरान मजीद एक मुकद्दस और पाक किताब है, ऐसी किताब के खुदावंद फरमाते हैं कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफ इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। तो कुरान के मुकद्दस होने का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। कुरान की शान यही है कि उसे गुलाब में रखा जाए ताकि कोई गंदगी, कोई मट्टी उसकी पाकी पर ना पड़ सके। मामा, तो क्या खुदावंद को ये किताब इतनी पसंद है? हाँ, खुदावंद को ये किताब बहुत पसंद है, और जो लोग इस किताब से और खुदावंद के पसंदीदा दीन से मोहब्बत करते हैं खुदावंद उनको भी बहुत महबूब रखता है। तो फिर मैं भी अपने सुपारे को गुलाब में रखूंगी और खुदावंद से बहुत मोहब्बत करूंगी। ज़ेमल के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर तालिया मुस्कुराती, और मुस्कुराती भी क्यों ना, उसकी बेटी उसकी कुल कायनात थी। हाल, मैम लाएं मैं कर देती हूँ, एक मुलाजमा ज़ेमल को ख्यालों में गुम होता देखकर बोली। ज़ेमल अगले ही लम्हे होश की दुनिया में आई और फिर मुस्कुराते हुए उसने ना में सर हिलाया। कुरान पाक को बहुत मोहब्बत से उसने कुरान के गुलाब में डाला और फिर उसे मुलाजमा को पकड़ा दिया। मैम आप कपड़े बदल लें, पास खड़ी दूसरी मुलाजमा ज़ेमल से मुखातिब हुई। ज़ेमल उसकी बात पर सर हिलाते हुए उठी और उस खूबसूरत लिबास को मुलाजमा के हाथों से उठाया। लिबास का रंग आसमान से मिलता था, लिबास बिल्कुल सादा मगर कपड़ा नहायत नफीस था। ज़ेमल को कपड़ों की ज़्यादा पहचान नहीं थी, और होती भी कैसे, वो लिया के पुराने कपड़ों या फिर रीवा के कपड़ों के उतरन को इस्तेमाल करती थी जो पहले से ही नहायत बुरी हालत में होते थे। लिया ही ने उसे पहला लिबास नया तोहफे में दिया था जिसको वो पहले से ज़ेब-ए-तन किए खड़ी थी। अचानक लिया का ख्याल आया तो उसे लिया की बहुत फिक्र हुई। मैम वो वॉशरूम है, और वॉशरूम के साथ ये जो कमरा है, आप यहाँ कपड़े बदलने, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता दीजिएगा। फिर ज़ेमल उस कमरे में दाखिल हो गई। वो कमरा सिकंदर की वार्डरोब की चीज़ों से भरा पड़ा था। अंदर दाखिल होकर ज़ेमल ने उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर जब वो मुड़ी तो उस कमरे को देखकर उसे लगा जैसे वो किसी दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई है। बस फ़र्क इतना था कि वहाँ अनगिनत चीज़ों को बेचने वाला कोई भी नहीं था। ज़ेमल बिना किसी चीज़ को छुए हर चीज़ को देखने लगी। शलवार कमीज से भरी एक नहीं बल्कि 2 अलमारी सेट थी, मगर रंगों में काली और नीले रंग की तादाद ज़्यादा थी। पैंट से भरी एक और अलमारी को मुकम्मल और शानदार तरीके से सजाया गया था। शर्ट्स की एक अलग से अलमारी तैयार थी। आगे पेंट कोट्स का अलग ही खजाना था। घड़ियां एक से बढ़कर एक वहां मौजूद थी। जूतों की एक लंबी फहरिस्त वहां मौजूद थी, मगर उस कमरे में एक और बहुत ही बड़ी अलमारी मौजूद थी और वो बंद थी। ज़ेमल नहीं जानती थी कि उसमें क्या है, और जानती भी कैसे वो वाहिद अलमारी उस कमरे में बंद पड़ी थी।
दरवाजे पर दस्तक हुई तो सिमल दरवाजे की तरफ बढ़ी। शायद मुलाजमा सिमल की खैरियत को जानना चाहती थी। सिमल ने जल्दी से कपड़ों को बदला और उसे कपड़ों में दुपट्टे के अलावा एक हिजाब मिला जो देखने में बिल्कुल सादा मगर दिल को छू रहा था। सिमल उन कपड़ों की सादगी पर, उनकी खूबसूरती पर हैरान थी। कपड़ों को बदलते उस कमरे में मौजूद वो एक आईने के सामने खड़ी हुई तो वो इतनी खूबसूरत मालूम हुई जैसे वो इस दुनिया की ना हो। लिबास में एक लंबी फ्रॉक थी और पैरों के टखनों को छूने तक का पजामा। बाजों से भी कपड़ा ऐसा था जो सिमल के वजूद को मुकम्मल तौर पर ढांप रहा था। सिमल ने उस हिजाब को पकड़ा तो उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, औरत बज़ाहरी तौर पर भी इतनी ही कीमती है जितनी कि उसकी हया। हया रूह में हो तो वो आंखों से झलकती है, मगर अगर जिस्म में देखना हो तो वो औरत के लिबास का अक्स होती है। ये बाल जो औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सिमल, इसे कभी नमो तो नमाइश के लिए इस्तेमाल मत करना। अगर रूह को, हया को अल्लाह ने इंसान के जिस्म में छुपाया है जिसका अक्स हम सिर्फ आंखों से देखते हैं, तो याद रखो जिस्म की हया का अक्स तुम्हारे सर से लेकर पांव तक के लिबास में छुपाए। याद है ना कि जब हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो के सर से दुपट्टा सिरक गया था तो क्या हुआ था? हाँ मामा, तब वक्त रुक गया था क्योंकि उनके दो बाल दुपट्टा सिरक जाने की वजह से नजर आने लगे थे। तो फिर ये याद रखो कि बालों को हमेशा चादर की जीनत पर छुपा कर रखना और कभी नमूदो नुमाइश के लिए पेश ना करना, क्योंकि खुदावंद को ये अमल बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर सिमल को कुरान की वो आयत याद आई जो उसे हया का दामन ना छोड़ने देती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश और जेबाइश को जाहिर ना किया करें सवाए उसके जो इसमें से खुद जाहिर होता है, और वो अपने सरों पर ओढ़े हुए दुपट्टे अपने गरेबानों और सीनों पर भी डाले रहा करें, और वो अपने बनाओ सिंघार को किसी पर जाहिर ना किया करें सवाए अपने शोहरों के या अपने बाप दादा या अपने शोहरों के बाप दादा के या अपने बेटों या अपने शोहरों के बेटों के या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों के या अपनी हम मजहब मुसलमान औरतों या अपनी ममलूका बांदियों के या मर्दों में से वो खिदमत का जो ख्वाहिश और शहवत से खाली हों, या वो बच्चे जो कमसनी के बायस अभी औरतों की पर्दे वाली चीज़ों से आगा नहीं हुए और ना चलते भी अपने पाँव जमीन पर इस तरह मारा करें कि पैरों की छंकार से उनका वो सिंघार मालूम हो जाए जिसे वो हुक्म शरीयत से पोशीदा किए हुए हैं, और तुम सब के सब अल्लाह के हजूर तौबा करो ए मोमिनो ताकि तुम इन अहकाम पर अमल पैरा होकर फला पा जाओ। जिंदगी वो इम्तिहान है जिसका हिसाब आखिरत में होगा, और इस इम्तिहान की कामयाबी का सबसे बड़ा और रास्ता कुरान है जो जिंदगी के हर मामले की तरफ इंसान की रहनुमाई करता है। अगर सवालों के जवाब की मुखलसी को देखना हो तो कुरान को खोला करो और पढ़ा करो। याद रखो कुरान अपने सीने में वो हर राज रखता है कि अगर तुम इसे कुल कायनात में भी तलाश ना कर पाओ तो कुरान में उसका जवाब मौजूद होगा, क्योंकि ये किताब एक मुकम्मल किताब है जिसमें अल्लाह ने 1400 साल पहले जो फरमाया वो क्यामत तक के लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई का जरिया है। हिजाब से अपने बालों की जीनत को सिमल मुकम्मल तौर पर ढांपते हुए बाहर की तरफ मुड़की और अपने पूरे वजूद को वो उस लिबास में ढांपे बहुत खूबसूरत और बाहया मालूम हो रही थी, और जो खूबसूरती अल्लाह के यहाँ देखने में है वो दुनियावी नमूदो नुमाइश में कभी हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी बेनाम खूबसूरती खूबसूरती नहीं बल्कि अपने अंदर की बदसूरती को का वो बाज़े अक्स होती है जिससे औरतें बाज़ दफ़ा सरे बाजार जाने अनजाने में लुटा आती हैं। कंपनी से निकलते ही सिकंदर बहुत रोबो दबदबे से चलता अपनी काली रंग की गाड़ी में आकर बैठा, जिसका दरवाज़ा सिकंदर के एक जोसेफ नामी आदमी ने खोला। गाड़ी में बैठते ही जमशेद को सिकंदर ने अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो जमशेद सर को झुकाते तेज कदमों से गाड़ी की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया, और फिर गाड़ी सिकंदर के एक इशारे पर चलने लगी। बाकी तीन गाड़ियों में सिकंदर के बॉडीगार्ड सिकंदर की गाड़ी के आगे और पीछे थे जो उसके खौफ का बोल बाला करते गजा की सड़कों पर सिकंदर की आमद का मानो ऐलान कर रहे हों। सिकंदर कोई आम इंसान नहीं था जिसे कोई भी इतनी आसानी से हार टाल सके, और उसकी आमद की खबर तो उसके आने से पहले ही वहाँ मौजूद बड़े बड़े लोगों तक पहुँच चुकी थी। सिकंदर गाड़ी में बैठकर कुछ खामोश था जो जमशेद के लिए काफ़ी ख़तरनाक बात थी। सिकंदर की खामोशी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी हुआ करती। शायद अब कोई बहुत बड़ा सानिया पेश आने वाला था जिसकी घंटी जमशेद के कानों में बज रही थी। जमशेद जी भाव, गोसबर्ग यगीज से कहो कि सिकंदर साले तुमसे मिलना चाहता है। गोसबर्ग यगीज ड्रग्स माफिया और
स्मगलिंग माफिया का वो खास बंदा था जो दुनिया भर में ड्रग्स के धंधों को देखता था, और वो पिछले 4 सालों से सिकंदर से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा था ताकि सिकंदर की ताकत को खुद की ताकत से मिलाकर इस धंधे को मजीद तकवीत दे सके। इससे पहले ये काम बाबर अतारी नामी एक शख्स के सुपुर था जो बाद में बहुत भयानक मौत मारा गया। कोई नहीं जानता था कि उसका कत्ल किसने और क्यों और कब और कहां किया, क्योंकि सर के अलावा जिस्म के बाकी अज़ा 5 और मुख्तलिफ जगहों से कटे हुए बरामद हुए। ऐसी बेदर्द मौत उसे मिली थी कि कटे सर के साथ निकली हुई आंखें बरामद हुई। कोई नहीं जानता था कि इतनी ताकतवर इंसान को मारने की जरूरत किस में थी। जो लोग जानते थे जवाब को, जो अब उनको जो लोग जानते थे उनमें बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो इतनी बेदर्द मौत उस इंसान को दे सकता है जो कुछ भी कर सकता है। मगर भाव ऐसे अचानक, जितना कहा है बस उतना करो, सवालात मत किया करो मुझसे, सिकंदर का लहजा सख्त था। जी भाव। कुछ देर की खामोशी के बाद जमशेद बोला, भाव वो कारल मार्क्स और एंगल्स ने आपके आने की खुशी में एक पार्टी रखी है और हाँ ठीक है, और ये कहता सिकंदर जमशेद को खामोश करवा गया। गाड़ी गेट से दाखिल हुई और फिर आगे बढ़ते हुए दूसरे गेट तक पहुंची तो सिकंदर की नज़र एक आदमी पर गई जो सिक्योरिटी के लिबास में वहां दूसरे गेट पर खड़ा देख रहा था। ये मंजर सिकंदर की आंखों से पहले जमशेद देख चुका था तो उसकी सांसें अटकी। गाड़ी चलती चलती गाड़ी में सिकंदर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइवर ने गाड़ी को फ़ौरन रोक दिया। सिकंदर गाड़ी से उतरते ही उस आदमी की तरफ बढ़ा जो गेट की दूसरी तरफ घर की राहदारी की तरफ झांक रहा था। सिकंदर ने एक ही पल में उसे पीछे से दबोचा और फिर अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा तो वो आदमी सिकंदर से 3 कदम के फासले पर जा गिरा। जमशेद गाड़ी से ये मंजर देखते गाड़ी से बाहर की तरफ भागा तो गेट की तरफ से एक औरत भागती हुई आई। सिकंदर उस औरत की आवाज़ को सुनते हुए भी अनसुनी कर गया और फिर उस आदमी को गरेबान से पकड़ते हुए एक ही झटके से खड़ा करते उसे दीवार की तरफ लगा गया और अपनी कोहनी से उस आदमी की गर्दन पर दबाव देने लगा। सर प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दें उन्हें। वो औरत गेट के दूसरी तरफ से भागती हुई आते हुए सिकंदर से बोली जो हाथ में एक टिफ़िन लिए खड़ी थी। सिकंदर का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था और दबाव उस आदमी की गर्दन पर बढ़ता ही चला जा रहा था। सर प्लीज़ ये मेरे शोहर है प्लीज़। उस औरत की आंखों से आंसू गिरे तो सिकंदर को किसी और की आंखों में मौजूद 2 आंसू की झलक दिखाई दी तो वो एक झटके से उस आदमी को खुद से दूर फेंकते हुए चिल्लाने लगा, ओह। सिकंदर अपना गुस्सा अपने अंदर मौजूद गुस्से को चीखते हुए निकालने लगा। सिकंदर के चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंजी थी। न जाने ऐसा भी क्या हुआ था मगर जो भी था सिकंदर का गुस्सा एक पल को भी कम नहीं हो पा रहा था। बिलाखिर सिकंदर ने जोरदार मुक्कों की बरसात उस दीवार पर की जिस बेचारी ने कुछ किया भी नहीं था। सिकंदर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो आदमी और वो औरत के साथ साथ जमशेद भी डर गया था। जमशेद ने सिकंदर को कभी इतनी सी बात पर इस कदर गुस्से में नहीं देखा था और फिर सिकंदर चिल्लाता हुआ बोला, दफा हो जाओ यहाँ से अभी के अभी, जाओ दफा हो। सिकंदर खुद को जब्त करते उस मर्द और औरत पर चिल्लाया था जो सिकंदर की आवाज़ से खासी खौफजदा कैफियत में मुबतला हो गए थे। खून से भरे हाथ और खून से भरी दीवार सिकंदर का कुछ गुस्सा तो कम कर ही चुके थे मगर सिकंदर की आवाज़ें कुछ हद तक सिमल के कमरे की खिड़की तक भी पहुंच गई थी। फिर सिकंदर वहां से उठा, गेट को अपने हाथों से पूरी ताकत के साथ झटके से खोलता अंदर की तरफ बढ़ गया और फिर पैदल चलते हुए घर की राहदारी से होता घर के अंदर दाखिल हुआ, कमरे की तरफ चल गया। जबकि एक मुलाजमा ऊपर से सिकंदर के हाथों से बरसते खून के कतरों को फर्श पर गिरता देखकर खौफ में चली गई। जमशेद सिकंदर के पीछे चलता सिकंदर के कमरे के बाहर रुक गया। फिर डॉक्टर यारों को घर के बाहरी हिस्से में बुलाता सिकंदर के कमरे में दाखिल हुआ। सिकंदर का गुस्सा बस कुछ हद तक उतरा था। भाव वो खून बहुत बह रहा है आपका पट्टी, जमशेद कांपती आवाज़ में सिकंदर से बोला तो सिकंदर हल्की सी आवाज़ में बोला, यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। और फिर अचानक आवाज़ बहुत बुलंद होगी, मैंने कहा है जाओ यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ। जमशेद दूसरी बात के बगैर वहाँ से चला गया।
दूसरी तरफ मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई तो सिमल असर की नमाज अदा कर रही थी। क्या हुआ है? एक मुलाजमा फिक्रमंदी से दूसरी मुलाजमा से मुखातिब हुई। वो बाहर इतना खून बह रहा है। पहली मुलाजमा सवाल करती बोली, किसका? वो सर का। हाथों से बाहर सारे फर्श पर खून के कतरे गिरे। मुझे बहुत डर लग रहा है। सिमल दुआ अदा करती दोनों की बातें सुन चुकी थी और अब उसे भी परेशानी हो रही थी। एक मुलाजमा सिमल के कमरे से निकलती दूसरी मुलाजमा को साथ लेकर बाहर का मंजर दिखाने लगी। फर्श पर काफी खून था। सिमल दोनों की बातों को सुनते दुआ को मुकम्मल करती उन दोनों के पीछे कमरे से बाहर आ गई। उनके पीछे खामोशी से खड़ी हो गई, मगर कुछ ही देर बाद वो दोनों मुलाजमा सिमल की आमद पर डर गई और फिर सिमल से नजरें चुराने लगी। मैम, आपको कुछ चाहिए? एक मुलाजमा सिमल से मुखातिब हुई। सिमल दोनों को जवाब देते ऊपर की तरफ से नीचे फर्श को देखने लगी तो खून को देखते चेहरे पर हाथ रखी। क्या हुआ है? सिमल उस मुलाजमा से सवाल करती बोली, मालूम नहीं है, मैंने बस सर को गुजरते हुए देखा। डॉक्टर को किसी ने बुलाया? सिमल एक और सवाल करगी। जमशेद की आहट नीचे की तरफ सुनाई दी तो सिमल को खासी परेशानी हुई। फिर सीढ़ियों से उतरती बोली, सुने, सब ठीक है? सिमल की आवाज़ पर उसकी तरफ मतवज्जे हुआ तो आंखों को झुका गया। जी जी, सब ठीक है। इतने में बाकी दोनों मुलाजमा भी सिमल के पीछे आकर खड़ी हो गईं। सिमल दोबारा से फर्श पर मौजूद खून को देखने लगी तो फिर से जमशेद से मुखातिब हुई, तो फिर ये खून, मैंने सुना है सर के हाथों से काफ़ी खून बह रहा है, आपने डॉक्टर को बुलाया है? सिमल इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि उसकी परेशानी उसकी आवाज़ में खासी मालूम हो रही थी। वो सिकंदर की खासी एहसान मंद थी और यही वजह थी कि वो जमशेद से सवाल कर रही थी। नहीं, भाव ने मना कर दिया, वो डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते। तो आप खुद ही उनकी मरहम पट्टी कर दें? मैं? काफ़ी हैरानी से जमशेद बोला तो सिमल उसके अंदाज को नासमझी से देखने लगी। जमशेद ये तो अच्छे से जानता था कि अगर अब वो भाव के कमरे में गया तो भाव उसका हाल वो करेंगे कि जमशेद ये तो अच्छे से जानता था कि अगर अब वो भाव के कमरे में गया तो भाव उसका हाल लो हाल मुकम्मल तौर पर बिगाड़ देंगे। मगर फिर जमशेद कुछ सोचने लगा, उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी, चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट भी वाजी हुई। जमशेद बोला, मेरा मतलब था कि मैं कर देता हूँ, मगर मुझे मालूम नहीं है कि ये काम कैसे करते हैं, अगर आप बता सकें तो फिर मैं कर सकूँगा। सिमल उसमें अच्छी खासी महारत रखती थी और रखती भी क्यों ना, जिंदगी के जो साल उसने तकलीफ में गुजारे थे उसमें जिंदगी ने उसे बहुत से जख्मों से भी नवाजा था और उन जख्मों की मरहम पट्टी के लिए उसके पास वही दो हाथ थे जिससे वो कभी अपने माँ बाप के आंचल में उंगली पकड़ कर चलती थी। सिमल को जिंदगी का वो स्याह बाप याद आया तो सर को हाँ में हिलाते हुए बोली, जी ठीक है। जमशेद ने फौरन एक मुलाजमा को फर्स्ट एड बॉक्स लाने का कहा। मुलाजमा दौड़ती हुई ऊपर की तरफ भागी। दूसरी तरफ जमशेद अपने मंसूबे पर एक दफा फिर से गौर करने लगा, कहीं आज वो भाव के हाथों कत्ल ही ना हो जाए। वो इतना तो जानता था कि उस अनजान लड़की जो भाव के लिए बहुत कीमती थी, भाव कभी उसके सामने कुछ नहीं कहेंगे, मगर खौफ था उसके बाद का। सिकंदर के हाथों का खून काफ़ी बह रहा था और जमशेद को सिकंदर की खासी फिक्र भी थी, इसलिए वो अपनी सोचों को झटकते हुए मुलाजमा की आमद पर मतवज्जे हुआ और फिर वहां से सिकंदर के कमरे की तरफ बढ़ गया। सिमल जमशेद के पीछे चली तो दोनों मुलाजमों ने भी सिमल के पीछे खामोशी के साथ चलना शुरू कर दिया। वो दोनों मुलाजमा अच्छी खासी खौफजदा थी। दरवाजे के पास खड़े जमशेद ने दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, कमरे में मुकम्मल अंधेरा। जमशेद दो कदम आगे बढ़ा तो खौफ में वो कमरे को रोशन करता बोला, भाव? सिकंदर सोफे से टेक लगाता कुछ पुरसकून मालूम हो रहा था। वो किसी ख्यालों की दुनिया में गुम था या शायद किसी के ख्यालों में गुम, जिसका ख्याल उसमें हर बुरे एहसास को कुछ पल के लिए मात देने में मदद करता था। जमशेद की आवाज़ पर उसके चेहरे के तासुरात ने सख्ती पकड़ी, जैसे उसे जमशेद का वापस आना बहुत नागवार सूझा हो। खून के छींटे कमरे के फर्श पर भी जमी थी और हाथों पर भी खून जम गया था। सिमल कमरे में दाखिल हुई तो पहला ध्यान उसका खून से भरे हाथों की तरफ गया। खून में लथपथ हाथ उसे किसी बहुत अपने की याद दिला गए थे, किसी की मौत और किसी की जुदाई। जमशेद की आवाज़ पर जो नागवारी सिकंदर के चेहरे पर वाजी हुई थी वो सिमल के साथ साथ बाकी दोनों मुलाजमा ने भी देखी थी, जो इस नागवारी को देखते कुछ अच्छी खासी कांप रही थी। सिमल खून को देखती काफ़ी परेशान थी और ये सोचने पर मजबूर कि इतना गहरा जख्म हाथों के जोर से वार पर ही हाथों पर आ सकता है, क्योंकि हाथों से जिल्द उतरी हुई थी। सिकंदर आंखों को बंद किए अपने हाथों को लटकते हुए
जमशेद की आवाज पर मुकम्मल कंट्रोल खोने वाला था कि अभी वो आंखों को खोलता अपनी जगह से उठा, जमशेद के चेहरे का हुलिया बिगाड़ता कि इससे पहले ही आंखों के सामने वो चेहरा आ गया जिसके ख्यालों से वो अपनी जात को सुकून दे रहा था। आंखों के खोलते ही वो चेहरा नजरों के सामने था। सिकंदर के अपने चेहरे के तासुरात बदल गए। वो इस लिबास में एक दिलकश हूर मालूम हो रही थी। सिकंदर के तारीख दिल में वो खूबसूरत बादल की तरह दाखिल हुई। सिकंदर उस लड़की को देखने लगा जो एक आम से लिबास में भी उसके दिल पर दीदारे यार की तरह वार कर रही थी। घुटनों से नीचे वो फ्रॉक सादी सी थी जो सिमल के ऊपरी जिस्म के आज़ा को लिबास में मुकम्मल तौर पर ढांप रही थी। लिबास कहीं से भी उसके जिस्म के किसी आज़ा की नमूदो नुमाइश नहीं कर रहा था, ना ही वो लिबास कहीं से सिमल के जिस्म से चिपका था। वो इस लिबास में बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। भाव वो खून बहुत पैरा है आपका तो, सिमल जमशेद की आवाज़ पर सिकंदर की तरफ मतवज्जे हुई तो पहले से अपनी तरफ देखते उस शख्स की आंखों से उसकी आंखें टकराईं। वो फौरन से नजरें झुका गई। सिकंदर उसके इस अंदाज पर हल्का सा मुस्कुराया तो जमशेद फिर से बोला, भाव वो मैम बाहर मिली थी तो आपने मना किया था डॉक्टर को दिखाने से, तो फिर मैं आया हूँ। सिकंदर की नज़रों का रुख सर्द नज़रों के साथ जमशेद की तरफ मुड़ा तो जमशेद अपना मुंह वहीं बंद कर गया। अचानक जमशेद का फ़ोन बजने लगा तो वो कमरे से बाहर चला गया। जमशेद पूरी तैयारी से सिकंदर के कमरे में दाखिल हुआ था और फ़ोन बजने का बहाना तो अलार्म बजने की आड़ में छुपाते जमशेद सिकंदर की पट्टी करने से खुद को बचा गया, वरना जितने उसके हाथों के जोड़ थे उसके डबल टुकड़े सिकंदर उसके हाथों के करता। सिकंदर तो जमशेद के बहाने को समझते हुए खून से भरे हाथ के इशारे से मुलाजमा से बॉक्स को पकड़ाने का बोला, ये मुझे पकड़ाओ और तुम दोनों जाओ यहाँ से। मुलाजमा सिकंदर की एक ही आवाज़ पर फौरन से आगे बढ़ी, सिकंदर को बॉक्स पकड़ाती दूसरी मुलाजमा के साथ वहां से चली गई। सिमल दरवाजे के पास खड़ी हाथों को मसलते सिकंदर को देखने लगी जो खून से भरे हाथों से ही खुद की मरहम पट्टी करने लगा था। अभी सिमल ये देख ही रही थी कि सिकंदर उससे मुखातिब हुआ, आप बैठ जाए यहाँ। सिमल कमरे में मौजूद सिकंदर के सोफे के सामने खड़ी आगे बढ़कर बैठने लगी कि इतने में वो बॉक्स सिकंदर की गोद से नीचे गिरा जो एक हाथ से दूसरे हाथ पर पट्टी करने की एक नाकाम कोशिश करने ही वाला था। सिमल चीजों के गिरने पर फर्श की तरफ मतवजे हुई और बोली, मैं उठा देती हूँ। सिकंदर उसकी आवाज़ अपने कानों से टकराने पर मुस्कुराया। उसकी आवाज़ सिकंदर के अंदर के वजूद को एक अलग सा एहसास बख्श रही थी। सिमल फर्श से चीज़ों को उठाती डब्बे में डालने लगी तो सिकंदर उसे यूं ही देखने लगा। वो उससे सिर्फ दो कदम के फासले पर बैठी चीज़ों को उठा रही थी और सिकंदर उस अनजान लड़की को देखता रहा। आपका नाम क्या है? सिमल जमीन से चीज़ों को उठाती पास पड़ी शीशे की मेज पर रखने लगी तो सिकंदर के सवाल की तरफ मतवजे हुए जवाब दिया, सिमल। सिकंदर हाथों के जख्म को बिना साफ करते पट्टी बांधते हुए उसका नाम हल्के से दोहराते हुए बोला, सिमल यानी सिमल। सिमल ने अपना नाम सिकंदर की आवाज़ में हल्का सा सुना तो जवाब देती बोली, जी। शायद उसे लगा कि वो शख्स उससे मुखातिब हुआ है। नहीं कुछ नहीं, खूबसूरत नाम है आपका। सिमल का ध्यान जख्म की तरफ दोबारा गया तो बोली, सर आपने जख्म को साफ नहीं किया। सिमल के मुँह से सर सुनते ही सिकंदर को बहुत अजीब लगा, फौरन से बोला, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। सिमल सर को हाँ में हिलाते हुए बोली, आपने जख्म को साफ नहीं किया। इससे पहले कि सिकंदर को छोड़ सिमल के मुंह से सुनता सिमल की बात को भ तक ही काटते हुए बोला, मेरा नाम सिकंदर साले है। सिमल ने तो जमशेद के मुंह से भाव सुना था और उसे लगा था कि उस शख्स का नाम ही भाव है इसलिए वो उसे इस नाम से बुला रहे था, जबकि सिकंदर को लगा कि वो उसे भाई कहकर बुलाने लगी है। जख्म को साफ करने के लिए सिकंदर ने एंटीवायरस की बोतल को निकाला तो सिमल बोली, आप कहें तो मैं कर देती हूँ, आप ये करना जानती हैं। सिमल सर को हाँ में हिलाती उस बोतल को सिकंदर के हाथों से पकड़ते उसके जख्म को साफ करने लगी। जिल से काफी मांस उतर चुका था, सिमल उस लिक्विड से जख्म को साफ कर रही थी। सिकंदर उस लड़की की नजरों के ताकुब में अपने हाथ को देख रहा था जो उसके हाथ को पकड़े उसके जाहरी जख्म को साफ कर रही थी मगर साथ ही साथ उसके अंदर के तूफान को मजीद फरोग दे रही थी। कुछ देर सिकंदर खामोशी से सिमल को कभी झुकी आंखों से देखता तो कभी नजरों को उठाकर, कभी खुद के अंदर के तूफान पर काबू पाता तो कभी अपने हाथों को उसके हाथों में देखता जो बहुत आराम से उसके जख्म को साफ कर रही थी। जख्म की सफाई तक सिकंदर खामोश बैठा रहा।
सिमल को देखता रहा और फिर उस रात का सोचने लगा जिस रात उसे ये लड़की मिली थी। इतने सवालों को वो एक साथ तो उस लड़की से पूछना नहीं चाहता था, मगर कुछ सवालों का जवाब वो उससे मांगना चाहता था। और फिर कुछ सोचते हुए बोला, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो पूछ सकता हूँ? वो दुनिया में पहली ऐसी औरत थी जिससे सिकंदर सवाल करने से पहले भी इजाज़त तलब कर रहा था। जी, सिमल बहुत सोच कर बोली, आप उस रात इतनी रात के वहाँ क्या कर रही थी? कुछ सवाल पर कुछ देर सोचने लगी, वो शख्स से अपनी शख्सियत के शिफाफ आईने की तरह जवाब देती बोली, मैं घर से भाग रही थी। सिमल का जवाब सिकंदर के लिए खासा हैरान कन था और फिर बोला, क्यों? सिमल नहीं जानती थी कि क्या सारी बात बताना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी, मगर फिर बात को मुख्तसर करती बोली, मैं यहाँ अपनी खाला के साथ रहती हूँ जो मुझे पसंद नहीं करती, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती थी इसलिए मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी। सिकंदर सिमल के जवाब पर एक और सवाल करते बोला, शायद वो उस लड़की को और जानना चाहता था जो दो दिनों में ही उसके लिए बहुत मायने रखने लगी थी। तो आपके वालदैन? सिकंदर सिमल से उस रिश्ते के बारे में सवाल कर गया जो सिमल के दिल के सबसे करीब थे। वो इस दुनिया में नहीं है, जब मैं 12 साल की थी तो कार हादसे में उनका इंतकाल हो गया। आई एम सॉरी, सिमल मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं। सिकंदर सिमल की मुस्कुराहट फिर से उसे देखने लगा और फिर कुछ देर खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, तो आप इसलिए वापस नहीं जाना चाहती? जी, मगर आप मुझे यहाँ किसी भी इदारे में छोड़ दें, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिकंदर इस बात पर कुछ बिगड़ा ज़रूर था, मगर अपने अंदाज को पल में बदलते हुए बोला, तो फिर आप क्या फ़लस्तीन की रहने वाली हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। एक उदासी सिमल के चेहरे पर मुकम्मल बसेरा करके जिसे सिकंदर ने वाजे देखा और फिर बोला, मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ। सिमल के चेहरे पर सिकंदर के पाकिस्तान से होने पर मुस्कुराहट आई तो बोली, कैसा है पाकिस्तान? सिमल का सवाल ऐसा था जैसे वो मुल्क का नहीं बल्कि किसी इंसान का हाल पूछ रही हो। वैसे ही है जैसा था, सिमल बातों बातों में सिकंदर के दोनों हाथों के जख्मों को साफ करती उसकी पट्टी भी कर चुकी थी। फिर सिमल सिकंदर के दोनों हाथों को अपने हाथों से छोड़ने लगी तो सिकंदर ने सिमल के हाथों को अचानक से पकड़ लिया। हाथों के छूटने का अभी तो रास्ता हमवार ही सिमल ने किया था, इससे पहले ही सिकंदर की पट्टी में बंधे हाथों की गिरफ्त उसे अपनी कलाइयों में महसूस हुई। एक आह की आवाज़ कमरे में गूंजी, वो आवाज़ दर्द से कराहत की नहीं थी बल्कि वो आवाज़ किसी के यूं पकड़ने पर खौफजदा हो जाने की थी। नज़रों से सिमल अपने हाथों के ताकुब करती उस शख्स के चेहरे की तरफ मतवजह हुई जिसके हाथों में उसके हाथ कहते। सिकंदर के यूं अचानक सिमल के हाथ को पकड़ने पर सिमल बहुत घबरा गई थी, मगर चेहरे पर नज़र पड़ी तो उस शख्स को नज़रों का ताकुब सिमल के बिल्कुल पीछे फर्श की जानिब था। सिमल फर्श की तरफ मतवजह हुई तो ज़मीन पर एक कांच के टुकड़े की तरफ ध्यान गया। चलने में एहतियात बरतें, जिंदगी में बहुत से कान जमीन पर इसलिए गिराए जाते हैं ताकि वो आपको घाव दे सके और आपके खैर ख्वाह लोगों से आपको बदगुमान कर सके। तकलीफ तब तक होती है जब तक जिंदगी जरबे देकर खाकी वजूद को कुंदन ना बना दे, मगर अगर इंसान बदगुमानी से ना बच सके तो वजूद को बोसीदा करने में देर भी नहीं करती। शायद सिमल के एक कदम पीछे हटने पर वो कान जो शायद उस बॉक्स से निकल कर गिरा था, वो सिमल के एक कदम पीछे लेने पर उसे चुप जाता जो सिकंदर साले की बाजनुमा आंखों और शोले नुमा धड़कते दिल को गवारा नहीं था। वरना वो तो सिकंदर साले था जो कभी किसी औरत को देखना तो दूर उसे छूने की कोताही भी नहीं करता, क्योंकि उसका मानना था कि औरत वो पाक चीज़ है जो दुनिया में तमाम तर खजानों से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि जो हया का उंस औरत के किरदार पर पाया जाता है वो सिर्फ रूह में बावकारी के अरूज और आजी की बदौलत मुमकिन है। सिमल उसके लिए लफ्ज़ किसी से भी बहुत ज़्यादा कीमती और अजीज थी, क्योंकि सिमल वो थी जिसने सिकंदर साले के वजूद में मौजूद खला को पुर किया था। सिकंदर की बात पर सिमल नज़रों को झुकाए खड़ी हो गई। शायद सिमल के पास सिकंदर की बात का वाज़े जवाब भी मौजूद था, मगर वो अभी जवाब देने की हिम्मत खुद में नहीं रखती थी। सिकंदर को सिमल खिड़की के बिल्कुल आगे खड़ी बहुत खूबसूरत और दिलकश मालूम हो रही थी, जो सिर्फ सिकंदर की बात को नज़रों को झुकाए सुन रही थी। कुछ पल में सिकंदर को खुद के और सिमल के दरमियान दोबारा से 8 कदम का फासला नजर आया तो वो रात वाजे तौर पर आंखों के सामने आ गई। दिल की दीवारों से बजता दिल किसी के हाथ के एहसास को महसूस कर गया। एक बात का जवाब जानना चाहता हूँ, सिमल सिकंदर की आवाज़ पर मतवजे हुई तो सिकंदर बोला, क्या आप शादी शुदा है? ये कैसा सवाल था, सिमल सवाल का यूं पूछे जाना समझ ही नहीं सकी। ये सवाल क्यों पूछा गया वो तो ये भी समझ नहीं पा रही थी, उस शख्स का ये सवाल पूछने का क्या मकसद था।
बहुत से सवालों का जवाब वो मांगना चाहती थी, मगर फिर सिकंदर के दोबारा पूछे जाने पर मतवजी हुई। क्या आप किसी के नाम से मुंसलिक हो चुकी हैं? सिमल सवाल के यूं पूछे जाने पर कुछ घबराई तो हाथों को मसलते हुए सिकंदर की आंखें में मौजूद किसी बेकरारी और उलझनों में जकड़े बहुत से एहसासात को देखते हुए नामे सर हिलाते बोली, नहीं। और फिर सिमल के नहीं के जवाब पर सिकंदर की आंखों में एक चमक वाजी हुई जो सिमल देखते ही देखते ना समझ सकी। और फिर सिमल के नहीं के जवाब पर सिकंदर की आंखों में जो चमक बाजी हुई वो सिमल से छुपी नहीं रह सकी। सिकंदर खुद के अंदर की बेकरारी को ख़त्म तो कर चुका था, मगर सिमल की बेकरारी को वो समझ चुका था जो सवाल पर उससे कर चुकी थी, जिस पर सिकंदर पहली दफ़ा किसी के सामने शर्मिंदा हुआ था। आज तो मैं पक्का भाव से मारा जाऊँगा, ये मैंने क्या कर दिया है और मैंने ऐसा क्यों किया? भाव मुझे वाकई ना मार दे। पुरसकून हो जाओ जमशेद, कुछ नहीं होगा। भाव इतने भी जालिम नहीं है कि तुम्हें ही मार दें, जमशेद खुद को तसल्ली देते हुए बोला। और फिर अपनी तसल्ली की खुद ही धज्जियाँ उड़ाते हुए बोला, भाव इससे कहीं ज़्यादा जालिम है जमशेद कि तुम्हारे वाकई छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को खिला दें। फिर दोबारा से खुद को तसल्ली देते हुए बोला, नहीं नहीं जमशेद, भाव को तूने उनसे मुलाकात का खास मौका दिया है, भाव ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जमशेद घर की राहदारी पर खड़ा अपने उस प्लान को कोस रहा था जो भाव की मोहब्बत में सर अंजाम दे चुका था, इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोलता कि किसी की आवाज़ कानों से टकराई। काफ़ी ज़्यादा तुम मुझे जानते हो। सांसें रुकी, पलकों ने झपकना छोड़ दिया, पूरे जिस्म में सिर्फ दिल का धड़कना मालूम हो रहा था। कान पीछे खड़े उस शख्स की आवाज़ पर खड़े हो चुके थे। मुड़ने की जमशेद में हिम्मत ख़त्म हुई तो कंधे पर भाव के हाथ का एहसास हुआ। जमशेद घुटनों के बल बैठ गया। सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट बाजी हुई। सिकंदर खासा खुश मालूम हो रहा था। और फिर जमशेद को घुटनों के बल बैठते हुए देख कर बोला, अगली बार अलार्म लगाते हुए 2 मिनट पहले का लगाना ताकि तुम्हें वो करने का भी मौका ना मिले। भाव वो मैं अब मैं करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखा करो, मैं सिकंदर साले कोई गली का आम गुंडा नहीं जो लोगों की खसलत और रवैयों से वाकिफ ना हो। चलो उठो अब। जमशेद सिकंदर की बात पर कुछ मुस्कुराया और फिर फ़ौरन से खड़ा होता बोला, भाई वो सच में भाभी ने वो मेरा मतलब था कि उन्होंने कहा था। हाँ हाँ, बाद में इसका हिसाब तुमसे लूँगा, अभी गाड़ी की चाबी मुझे दो। जी भाव ये ले। जमशेद अपनी जेब में हाथ डालता बोला, भाव वो कारल मार्क्स और एंगल्स का। सिकंदर जमशेद की बात को काटते हुए बोला, जमशेद घर के इर्द गिर्द कोई मर्द मुझे आज के बाद ना दिखे। सिकंदर का लहजा अचानक सर्द हो चुका था और फिर बोला, ये जो आज हुआ है ये तुम्हारी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती थी, अपने काम को सही से अंजाम दो, वरना जो लोग अपने काम को सही तरीके से अंजाम ना दे सके उन्हें अंजाम तक मुझे पहुँचाना अच्छे से आता है। फिर सिकंदर ये कहता वहाँ से चला गया। सिमल कुछ चुप बैठी थी, वो अब यहाँ से जाना चाहती थी मगर वो कहाँ जाएगी? उसका इस जगह पर अब मजीद रहना उसे कुछ ठीक मालूम नहीं हो रहा था। वो सिकंदर के कुछ सवालों पर हैरान थी, अलबत्ता वो उस शख्स की नीयत पर हरगिज शक करने की रवादार नहीं थी। बैठे बैठे बहुत से ख्यालों के समंदर में डूबी सिमल किसी की याद में खो गई। याद? सिमल तुम कितनी चलाक हो गई हो, ये सॉरी चॉकलेट तुमने मेरी निकाली है? इसे चलाकी नहीं अक्लमंदी कहते हैं। कमाल। अच्छा तो फिर ये बताओ इसमें अक्लमंदी क्या है? चीज़ों को ज़खीरा करना अच्छी बात नहीं है, मामा कहते हैं कि हमेशा चीज़ों को बांट कर खाना चाहिए। सलार बोला, तो फिर तुमने मेरी सारी चॉकलेट्स कहाँ बांटी हैं? मैंने वो भी अम्मा को दे दी कि वो सब कुरान पढ़ने वाले बच्चों को दे दे ताकि उससे तुम्हें सवाब मिले। तो इससे मुझे सवाब हासिल होने पर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा मतलब कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और पापा कहते हैं जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। तो फिर ऐसा है, मैं कल से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ला कर दूँगा, तुम भी अम्मा को कहना कि वो सब बच्चों में बांटे। तो फिर तुम मानते हो कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, दुनिया की सबसे अक्लमंद लड़की हमारी जिमल ही तो है। सलार हंसते हुए बोला तो जिमल भी मुस्कुरा दी। हाल मैम, खाना खा लें, भूख नहीं है। मगर मुझे भूख नहीं है, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुलाजमा जो खाना लिए सिमल के पास खड़ी थी सिमल के इनकार पर वहाँ से चली गई।
दूसरी तरफ सिकंदर गाड़ी से निकलता एक जगह पर पहुंचा जो काफी वीरान थी। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक मालूम नहीं था। गाड़ी से निकलता सिकंदर सीधा चलने लगा। हवा के झोंके उठने लगे तो सिकंदर तेज कदमों से बढ़ते हुए एक खंडर नुमा घर में दाखिल हुआ। खांसी की आवाज़ सिकंदर के कानों तक पहुंची तो सिकंदर बाएं जानब मुड़ गया और फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोलते उसमें दाखिल हो गया। बड़ी देर कर दी सिकंदर साले आते आते। सामने बैठा शख्स सिकंदर को देखते ही शायराना अंदाज में मुखातिब हुआ। इंतज़ार कदर को बढ़ाता है, इसीलिए आते आते देर हो गई। सामने बैठा शख्स मुस्कुराया तो सिकंदर ठाट से मेज़ पर पड़े शराब के गिलास को पकड़ता वहाँ बैठ गया। तुम्हारा यही अंदाज तो सिकंदर हमारी ताकत है। हमारी नहीं जहांगीर, मेरी। सिकंदर साले की ताकत सिर्फ उसी की ताकत है और इस ताकत में कोई हिस्सेदार नहीं, तुम भी नहीं। कभी तो दिल रखने में कुछ रहम दिली दिखाया करो, हम भी तुम्हारे ही हैं। कभी हमको भी खुद से बुलाया करो। तुम्हारी बकवास शायरी ख़त्म हो गई है तो मुद्दे की बात पर आओ। ड्रग्स, तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है। तुम चाहो तो सब हो सकता है मुमकिन। गोसबर्ग किर्गीज से मुलाकात की देर है, अच्छे खासे पैसों की बारिश इस काम में हो सकती है। जो बात मैं कह चुका सो वो कह चुका, मुझे अपनी बात को दूसरी मरतबा दोहराना पसंद नहीं। ये मत भूलो कि आज तुम जिस ताकत पर राज कर रहे हो वो मेरी भी वजह से है। मेरा एहसान याद है या वो भी भूल चुके हो? सिकंदर के चेहरे के तासरात नहायत सख्त हुए और फिर बोला, यही वजह है कि अब तक तुम्हारी ये बकवास को मैं यहाँ बैठा सुन रहा हूँ। वरना तुम्हें ये बात मुझे याद दिलाने की ज़रूरत उसी जेल में होती जहाँ अब तक तुमने अपनी आधी ज़िंदगी गुजारी है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार सिकंदर, और दोस्त दोस्त के काम आते हैं। आज के बाद अगर तुमने मुझे अपना कुछ कहा तो मुझे उन दो आंसू की कसम तुम्हें अगला लफ्ज बोलने की भी इजाज़त नहीं दोगा। हाँ समझ गया हूँ, फिर मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं कुछ गुजारा तो कर सकूँ। पैसों की अब तुम्हें ज़रूरत नहीं, तुम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। मतलब कि एक केस ख़त्म? सिकंदर बोला, हाँ। जहांगीर मुस्कुराया और फिर बोला, मैं समझता था सिर्फ मैं ही तुम्हारा यार हूँ, यहाँ तो और भी यार है जो तुम्हारे आगे दुम हिलाते हैं। कुत्तों का काम मालिक से वफादारी का है, उसके आगे भौंकने का नहीं। अलबत्ता बाकी कुत्तों की नस्ल में मालिक के सामने भौंकने की जरूरत तो मैंने कभी नहीं देखी, मगर तुम भी खासी मकदार में शामिल है। जहांगीर बोला, क्या कहा तुमने? मैं कुत्ता हूँ मतलब हद है वैसे। हाँ जितनी लंबी तुम्हारी जुबान है, बाकी तुम आगे समझदार हो। मेरी माँ ना कहती तो तुम अब तक अपनी ज़ुबान की वजह से मर चुके होते। हाय सिकंदर हाय, ज़िंदगी बड़ी कुत्ती चीज़ है, इसके लिए इंसान को बर्बाद करने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है। मेरी तो फिर भी ज़ुबान है, कुत्ता हूँ इसलिए भौंकना मेरा काम है। कुत्तों के लिए ज़िंदगी भी कुत्ती ही चीज़ है, वरना बर्बाद करने को एक दिन ही एक पल ही काफ़ी होता है। जहांगीर ये जो सांसें तुम लिए फिर तो इस पर सिकंदर का शुक्र अदा करो, वरना आज तुम्हारा जिस्म मिट्टी की खाक होकर पसीदा हो चुका होता। ये शराब देख रहे हो सिकंदर, इस शराब ने तुमसे और मुझसे बहुत कुछ छीना है, मगर तुम्हारे साथ अपना सारा बचपन गुजारने के बाद मैं भी इसे नहीं छोड़ सका कि जैसे तुम, क्योंकि इतनी वहशत के बाद ये शराब तुम्हें और मुझे अंदरूनी सुकून देती है। तुम्हारी खसलत के मुताबिक ये शराब तुम्हें सुकून देती है, मगर मुझे हर रोज़ मौत की वो आखिरी हद दिखाती है जो मुझ में पल भर के सुकून को भी बर्बाद कर देती है। सुकून की कुछ खड़ियाँ तुम्हारी मेरी भी कानों से गुजरी हैं। क्या शादी कर लिया या फिर अपनी बेसकूनी को सिर्फ देखकर ख़त्म करने का इरादा है? जानता था वो आदमी तुम्हारा ही हो सकता है जो मेरे मना करने के बावजूद वहाँ जासूसी कर रहा था। सिकंदर तुम जो भी कहो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ तो इस दोस्ती की खातिर जो तुम्हारी माँ ने कभी मेरी तुमसे करवाई थी, अगर वो तुम्हारी माँ थी तो वो मेरी भी माँ की तरह ही थी, और उसी माँ के वादे को मैं आज तक पूरा करते तुम्हारी हर बकवास को सुन लेता हूँ। हम बकवास ही करते हैं, कभी आंखों को भी देखा करो, जो आंखें दिखाती हैं वो दिल की राह होती है। फिलहाल तुम अपनी ये बकवास बंद करो और मेरा एक काम करो। हम भी क्या समझे वो मुलाकात को आए, वो आए तो सही मगर खुद के मतलब में आए। सिकंदर ने एक बार फिर सर्द नज़रों से जहांगीर को देखा तो जहांगीर फ़ौरन से बोला, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, तुम बोलो। कारण मार्क्स पर तुम्हें नज़र रखनी है हर सूरत में, और काम में कोई कमी मालूम ना हो तो इस वादे को तोड़ते हुए ये भी नहीं सोचूंगा, और अगर काम में कोई कमी मालूम हुई तो इस वादे को तोड़ते ये भी नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त हो जहांगीर। हम कहे दोस्त तुम को तो मौत वाजिब हो जाती है।
जो तुम कहो दोस्त हमको तो हुक्म यार सादिर हो जाती है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, तुम मेरे शेर की कभी तारीफ कर ही नहीं सकते। वैसे बातों की एक बात भाभी से कब मिलवाओगे? अगर बताओगे तो एक पते की बात बताऊंगा। सिकंदर शराब के खाली गिलास को रखते उठा और बोला, काम को ठीक से करना, चलता हूँ। बहुत जल्दी कर दी यार जाते जाते, कुछ देर और तुम मेरे पास यूँ ठहर जाते। हम जो हाले दिल को तुम्हें कुछ यूं ही बयान करते, तुम भी उन दो आंसुओं की दास्तान हमको सुना जाते। जहांगीर अपना मुंह बंद कर लो वरना तुम्हारा मुंह मुझसे टूट जाना है मेरे जाते जाते। और ये कहता सिकंदर वहां से चला गया एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। जो भी था वो दो साल के बाद जहांगीर से मिलकर खुश था, मगर उसे जाहिर नहीं करना चाहता था। जमशेद मुसलसल कॉल्स करता टहल रहा था। गाड़ी गेट से दाखिल हुई तो जमशेद ने टहलना बंद किया और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ता गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बोला, भाव वो आपने पार्टी पर जाना भी है, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मेरे कपड़े? भाव वो मैं मुलाजमा को कहता हूँ, वो आपकी चीज़ों को उस कमरे से दूसरे में शिफ्ट कर दे। अभी जाने के लिए तैयार किए कि नहीं? जी भाव तैयार है। सिकंदर चलते चलते घर की अंदरूनी दरवाजे की तरफ दाखिल हुआ और फिर सीधा राहदारी से होता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कपड़ों को देखते सिकंदर बोला, पेंट कोट नहीं पहनना मुझे, तब्दील करो अभी। मगर भाव जो कहा है वो करो, जाओ। जी भाव मैं अभी कहता हूँ। सिकंदर को कुछ याद आया तो बोला, रुको तुम रहने दो, मैं खुद देख लूँगा। और फिर कपड़ों को उठाता सिकंदर वहाँ से सीधा ऊपर की तरफ बढ़ा। कमरे से मुलाजमा निकली तो सिकंदर ने सर के इशारे से जाने का कह दिया। दरवाजे पर दस्तक देता सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ। सिमल नमाज पढ़ने में मशगूल थी। सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ तो सिमल पर नज़र पड़ते ही उसे पीछे से देखने लगा। वो उस आसमानी रंग के लिबास में आज कितनी खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर उसे देखने लगा तो कानों में जहांगीर की आवाज़ गूंजी, क्या शादी कर ली है या फिर अपनी बेसकूनी को सिर्फ देखकर ख़त्म करने का इरादा है? सर को झटकते सिकंदर सीधा वार्डरोब वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर दाखिल होते उसने शलवार कमीज की अलमारी को खोला और वहां से एक काले रंग की शलवार कमीज को निकाला। जूतों की अलमारी से एक जूते जिनके आगे का चेहरा लंबा और नोक नुमा था वो निकाला। घड़ियों से काले रंग की ब्रांडेड न्यू घड़ी निकाली और दो मिनट में तैयार होता वो उस कमरे से निकला। सिमल नमाज अदा करने के बाद उठ रही थी। तेज खुशबू के बाय सिमल दाएं जानिब की तरफ मतवज्जे हुई तो सिकंदर वहां खड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा था, मगर काले रंग में वो अपनी शख्सियत से कई गुना ज़्यादा रोबदार मालूम होने लगा। सिमल सिकंदर को अचानक वहां देखकर कुछ हैरान हुई तो बोली, आप? मैं बस अपनी चीज़ें लेने आया था, तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सिकंदर को जानने वाले वहाँ मौजूद होते तो सिकंदर के मुंह से माफ़ी का लफ्ज़ सुनकर शायद वो हैरानगी की दुनिया में जा पहुँचते, क्योंकि ये लफ्ज़ सिकंदर के मुंह से निकला किसी मौजे से कम नहीं था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सिकंदर सिमल के चेहरे पर नज़र डाले वहाँ से चलता बाहर को जाने लगा कि सिमल मुखातिब होते हुए बोली, सुने? सिकंदर को सिमल के मुँह से खुद को बुलाना बहुत अच्छा लगा था। चेहरे पर मुस्कुराहट छुपाते सिकंदर मुड़ा और बोला, जी कहें? वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आपने मुझे रहने के लिए जो दो दिन की छत दी, मैं उस पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नज़रों को झुकाए जिमल अपनी बात को कहने लगी तो एक के बाद एक जुमला उसकी बात के साथ जोड़ता गया, मैं आपकी बहुत एहसान मंद हूँ, आप बहुत अच्छे और रहम दिल इंसान हैं। आपने मेरे लिए जो भी तकलीफ़ उठाई मैं उस पर आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने मेरे लिए जो भी किया मेरे पास उसके मुकाबले में देने को कुछ नहीं है, मगर मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ कि आपको अल्लाह हर नेमत से नवाजे। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपके घर में दो दिन हो चुके हैं, मैं अब सुबह यहाँ से जाना चाहती हूँ। सिकंदर को लगा कि उसके कानों ने कुछ गलत सुना है तो फ़ौरन से बोला, मैं आपकी बात नहीं समझा, आपने क्या कहा अभी? मैं सुबह यहाँ से जाना चाहती हूँ। सिमल को सामने खड़े शख्स से कोई खौफ मालूम नहीं हो रहा था, मगर कुछ था जो सिमल को अंदर ही अंदर एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रहा था। आप यहाँ से क्यों जाना चाहती हैं? मेरा मतलब है आपको यहाँ कोई परेशानी है या किसी ने कुछ कहा है? अगर कोई बात है आप मुझे बताएं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों, ऐसे क्यों कह रही हैं? आप यहाँ रह सकती हैं, यह आपका अपना घर है। सिमल सिकंदर की बातों में मौजूद अजीब सी कैफियत को समझ नहीं पा रही थी, मतलब एक अजीब सी बेकरारी सिकंदर की बातों और लहजे में मालूम हो रही थी। नहीं आप मुझे गलत ना समझें, सब बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना ख्याल बहुत देर बाद किसी ने रखा है, पर मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं सुबह यहाँ से जाना चाहती हूँ।
आप बोझ नहीं है मुझ पर, और ऐसा सोचे भी मत। ये आपका अपना घर है, आप यहीं रहें और यहाँ से मत जाएं। सुने, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं यहाँ, सिकंदर सिमल की बात को काटते हुए बोला। आप रह सकती हैं जब तक चाहें, पूरी ज़िंदगी भी। तो भी सिकंदर साले आपको जाने का नहीं कहेगा, कभी नहीं। सिमल गुफ्तगु की तकरार को नहीं समझ पा रही थी और फिर अपनी बात को समझते हुए बोली, देखिए आपकी बात, आप बात को समझ दी रहे, ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये छत मेरे लिए ना महरम की छत है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं अब ठीक हूँ, आप बात को समझने की कोशिश करें, मैं सुबह यहाँ से जाना चाहती हूँ। सिमल बहुत अदबो एहतराम के साथ बहुत मासूमियत से सिकंदर को समझाते हुए बोली। सिकंदर सिमल की बात को समझ गया था, वो एक बाहया औरत है और यहाँ नहीं रहना चाहती। सिकंदर उसके लिए ना महरम था। जो भी था, सिमल ये तो जान चुकी थी कि उस घर में सिकंदर ही था, बाकी सब मुलाजिम और मुलाजमा थे जो घर के कामों को करते थे। इस घर में और कोई नहीं था, जो बात सिमल को खुद के लिए बेहतर मालूम नहीं हो रही थी। तो आप जाना चाहती हैं? जी, सिर्फ ये एक वजह है जो आपको यहाँ रहने नहीं दे रही। मैं वो, आप बात को गलत ना समझे, मैं सिकंदर की कैफियत सिमल के जाने का सुनकर कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत बेचैनी थी, कुछ खो जाने का डर था। ऐसा डर जो सिकंदर को खुद में गले तक आता महसूस हो रहा था, जैसे पूरी ताकत से उस डर ने सिकंदर की गर्दन को जकड़ लिया हो। तो आप सुबह इसलिए जाना चाहती हैं कि यह छत आपके लिए ना महरम की छत है, यही एक वजह जो आप यहाँ से दूर जाना चाहती हैं, इस घर से, मुझसे, मेरी नज़रों से। सिमल वहाँ खड़ी बेबस मालूम हो रही थी। सिकंदर जो कुछ कह रहा था उन बातों के बाद सिमल अपनी हया में नज़रों को भी उठा नहीं पाई थी। उसने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मगर वो ये सब सामने वाले शख्स से सुनने की तवक्को हर किसी ने कर रही थी। उन लफ्ज़ों में जो सिमल के कानों से टकराए, बेशक उसमें बहुत खुलूस और मोहब्बत मालूम हो रही थी, मगर ये सब इस मौके पर होने की तवक्को सिमल के दिलो दिमाग में दूर दूर तक कहीं नहीं थी। मैं नहीं जानता आपको ये सुनकर कैसा लगेगा, मगर मैं अगर अब ना कह सका तो मेरी ज़िंदगी अब की बार बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि ख़ुद को आपके सामने खोल कर रख दूँ। सिमल का वजूद कांप रहा था। वो शख्स से खौफजदा तो नहीं थी, होती भी कैसे, जिस शख्स ने उसके मुकाबले खड़े होकर भी नज़रों को झुका कर उसकी हया का एहतराम किया। उस शख्स से सिमल किसी तौर खौफजदा नहीं थी, मगर मुकाबिल के अल्फाज सिमल को शर्मिंदा कर रहे थे। मैं ये तो नहीं जानता कि ये वक्त ठीक है या नहीं, मेरी नज़र में इस बात की अहमियत कभी नहीं थी, मगर अभी ये बात कहते हुए मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मेरी नीयत या मेरी चाहत में कोई खोट देखें। मैंने उन दो दिनों में आपके यहाँ ना जाने की तमन्ना की है, मगर ये बात आपसे यूँ कह देना मेरे बस में ऐसा है कि जैसे अगर ये बात मैं आज ना कर सका और आप चले गई तो हर रोज़ हज़ार मौत ऐसी मरूंगा कि दुनिया में कोई ऐसी मौत हर रोज़ हर पल नहीं मरा होगा। सिमल सिकंदर के इस अचानक से इजहार पर सामने अपने दिल की बेलगाम धड़कनों को लिए खड़ी थी, जैसे वो इन बातों को सुनते वहाँ जाम हो चुकी हो। उसके गाल गुलाब के फूल से ज्यादा लाल थे, जो सिकंदर की उस बेधड़क और बाएतराम इजहार पर तिल मिला चुके थे। वो चाहती थी कि सिकंदर को सब कहने से रोक दे, जो वो सुन चुकी उसे अनसुना कर दे। इस गुफ्तगू को ख़त्म करने के लिए वो बहुत हिम्मत से बोली, मगर सिमल की जुबान और उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे सकी। अभी के सिमल बात को ख़त्म करती कि सिकंदर बोला, आप इस छत को ना महरम की छत समझ रही हैं और सिर्फ इसलिए यहाँ से जाना चाहती हैं जो मैं नहीं चाहता। आपकी हया मुझे बहुत अजीज है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जिन्हें औरत की पाक तकद्दस की अहमियत मालूम ना हो। मेरी तरबियत भी एक पाक सीरत औरत ने की है और उसी औरत की तरबियत को इस्तेमाल करते हुए बहुत अदबो एहतराम से सिमल आपकी हया के तकद्दस को पामाल ना करते हुए बहुत साफ और शिफाफ अल्फाज में इस ना महरम रिश्ते को महरम में बदलने के लिए मैं सिकंदर साले सिमल आपसे निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर करता हूँ। एक पल में सिमल की झुकी नजरों ने सपाट नजरों से मुकाबिल के चेहरे की तरफ देखा, जो कुछ पल में ही सिमल से वो सब कह गया जिसकी सिमल ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। नजरों को उठाए सिमल सिकंदर के चेहरे की तरफ मतवज्जो हुई तो वो शख्स जो अपनी शख्सियत में एक बहुत रोबदार इंसान मालूम हो रहा था, वो हाथों को पकड़े बहुत अदब से खड़ा नजरों को झुकाए बोल रहा था। वो दुनिया का पहला ऐसा शख्स था जो अपनी मोहब्बत का इकरार भी इतने अदबो एहतराम से कह रहा था, जिसकी नज़रें उस औरत पर ये कहते ना डाल सकें कि वो उससे निकाह का मुतालबा कर रहा है।
मगर ज़िमल इस बात से बेखबर थी कि मुकाबले में खड़ा शख्स पसीने में लथपथ खड़ा जो कुछ कह चुका था दिल के हाथों मजबूर होकर कह चुका था। ऐसा नहीं था कि सिकंदर औरों की तरह अपनी मोहब्बत को खुद से या ज़िमल से कहने से डरता था या इस बात का इकरार नहीं करना चाहता था, मगर वो ज़िमल को सिर्फ दो दिन की मुलाकात पर अपनी सालों जैसी मोहब्बत से आश्कार करके उसे खौफजदा नहीं करना चाहता था। मैं सिकंदर साले ज़िमल आपसे निकाह करना चाहता हूँ अभी इसी वक्त, अगर आप अपनी रजामंदी मुझे दे दें। ज़िमल को समझ नहीं आ रहा था कि वो शख्स के मुतालबे या उसकी खुद के लिए चाहत का क्या जवाब दे। मैं ज़िमल ना समझी से जो सिकंदर के चेहरे को देखकर बोलना शुरू की कि सिकंदर भी ज़िमल के चेहरे की तरफ मतवज्जे हो गया। सिर्फ एक पल दोनों की नज़रें टकराई तो ज़िमल ना समझी में इधर उधर कदम उठाती बेड पर बैठ कर पानी का गिलास उठाती पानी पीने लगी। इस आस पर कि ये जो कुछ सुना है ये ख्याल हो, मगर कुछ पल में सब ना बदला तो हकीकत में कहे सिकंदर के सब अल्फाज उसके कानों में दोहराने लगे। वो परेशान हो चुकी थी कि अब क्या करेगी। एक सोच ने उसे घेरे में लिया तो सिकंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेते हुए बोला, आपको रोकने के लिए मेरी ये पेशकदमी सिर्फ पेशकदमी नहीं है ज़िमल, कि सिकंदर साले का दिल है जो वो पहली मरतबा किसी पर हार बैठा है और मैं ये हार आपको अपने निकाह में लेकर अपनी जीत में बदलना चाहता हूँ। मुझे सुबह तक आपके जवाब में हाँ का इंतज़ार है, उम्मीद है आप इसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार नहीं करेंगी। और भी सिकंदर ज़िमल से ये कहता और हुस्न ज़िमल पर एक नज़र डालता वहाँ से चला गया, जहाँ ज़िमल उस इकरार से बिल्कुल संभल नहीं पा रही थी वहाँ सिकंदर का दिल उसके सीने से टकराता खुशी में झूम रहा था। जहाँ ज़िमल का वजूद हैरानगी में कांप रहा था वहाँ सिकंदर का वजूद सिर्फ उस पर एक निगाह डालने पर तड़प रहा था। अंदर बैठी ज़िमल अभी तक सिकंदर की कही जाने वाली हर बात पर खामोश बैठी एक अलग ही सदमे में थी। उसे सिकंदर की बातों में एक लंबी उम्र की मोहब्बत का एहसास महसूस हुआ। हाथों की उंगलियों को मसलते हुए ये सोचने पर मजबूर होगी कि ये सब जो हुआ है शायद एक ख्वाब है और अभी वो इस ख्वाब से उठ जाएगी, मगर जो सिकंदर कह चुका था उसका हर लफ्ज हर बात हकीकत के हर ने से जुड़ा था। ज़िमल तो यहाँ से जाना चाहती थी सिर्फ अपने रब के आसरे पर, वो ये तो नहीं जानती थी कि वो यहाँ से कहाँ जाएगी, मगर इस नामहरम छत के नीचे रहना अब उसे अपनी नज़रों में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि कोई बात भी उसके या उस रहम दिल इंसान के किरदार पर असर करे। वो ये नहीं जानती थी कि किसी ज़ुबान में ये हिम्मत नहीं है कि वो ज़िमल के किरदार पर सिकंदर के होते हुए उंगली उठा सके, क्योंकि सिकंदर दोनों चीज़ों को बरवक्त काट देने की ताकत खुद में रखता था। जिसको ज़िमल एक रहम दिल इंसान समझती थी वो कोई आम सिकंदर नहीं था, वो सिकंदर साले था जिसने कभी खुद को माफ़ करने का भी नहीं सोचा था। मगर आज ज़िमल को ज़िमल की खुद की मर्ज़ी से वो उसे अपने निकाह में लेने की चाहत को जाहिर कर चुका था। वो कभी ऐसे रिश्ते को खुद पर उजागर नहीं करना चाहता था, यही वजह थी जो आज तक वो किसी औरत के हुसन की तरफ मतवज्जे नहीं हुआ था। मगर ज़िमल का चेहरा नूर की रोशनी से मुंसलिक था जो सिकंदर के अंदर एक पुरसकून जिंदगी की एक रोशनी के चिराग को जलागी। जो भी था, मगर ज़िमल इन बातों को सुनकर भी समझने की कोशिश नहीं कर पा रही थी। उसे अब तक तो सिकंदर में कोई बुराई मालूम नहीं हुई थी, मगर उसे इन सब बातों की उम्मीद उस शख्स से कभी नहीं थी। कानों में सिकंदर के कहे अल्फाज एक के बाद दोहराने लगे, चेहरे पर हाथ रखे ये सोचने लगी कि वो अब क्या करेगी। या अल्लाह, मैं नहीं जानती कि तूने मेरे लिए क्या सोचा है, मगर ये सब मुझे एक नए इम्तिहान में डालने के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदों पर उनकी हिम्मत और ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, मगर ये सब सोचने की भी मुझ में हिम्मत नहीं। और ज़िमल चेहरे को अपने हाथों में देती हज़ार सोचों के साथ अपने रब से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गई। ज़िमल की कैफियत बयान करने को काफ़ी नहीं थी, वो बेहद बेचैन और परेशान थी। उसमें ये बात सोचने की हिम्मत नहीं थी कि वो शख्स जिसे वो अपना खैरख्वाह समझ रही थी वो भी कुछ देर पहले उससे निकाह की ख्वाहिश जाहिर करता सुबह तक की मोहलत देकर गया था, और वो भी यही के जवाब हाँ में हो। जिस बात को ज़िमल समझ ही नहीं पा रही थी वो सुबह उस शख्स का सामना कैसे करेगी, वो शख्स को ये कैसे समझाएगी कि वो ये सब समझना चाहती थी और यहाँ से जाना चाहती थी। शायद सिकंदर इसीलिए अपने दिल की बात को ज़िमल पर इतनी जल्दी जाहिर नहीं करना चाहता था, वरना जिस रात ज़िमल को अपने घर लाया था उसी रात को सब कह देता जो वो कहना चाहता था। जो कहने से सिकंदर को कोई रोक तो नहीं सकता था, मगर ज़िमल के चेहरे पर डली एक नज़र ने ये काम भी कर दिया। और फिर ज़िमल ने सारी रात यही सोचते गुजार दी कि सुबह वो क्या जवाब देगी।